और यहाँ कोई न दर्द हो रही, मेरी अंगुलियां ये पूरी सुन पड़ जाती सर, जब जैसे मैं सोता कितने हूँ। ये है पूरा दर्द है ऐसे, ये दिन से जहाँ है? से ये दर्द है ये काफी दिन से दर्द है, 6 महीने से तकरीबन। 6 मंथ हो गया। जी, कैसे हुआ, कैसे कुछ आपको याद है, कैसे हुआ है सर आपका? जैसे मैं ड्यूटी करता हूँ ना सर, तो हाँ मैं ज्यादातर खड़ा रहता हूँ और चेयर पर बैठा रहता हूँ, तो अकड़न सी हो गई। जैसे नाइट में ऐसे ही रहता हूँ, कभी ऐसे हो जाता हूँ, ऐसे ही रहता हूँ, ये है सर मेरे। मतलब जब आप उल्टा लेटते हो तब आपको लगता जी है जैसे कि एक तो अचानक से मैं आंख लग गई, जैसे मैं सो गया तो ऐसे ही हो गया, तो ऐसे ही अकड़न सी रह जाती है, और तब मेरे को ये सुन हो जाता है अकड़नपन से, तब एकदम और मैं आपको पिक्चर सत्कार। दिखाता हूँ, देखिए जरा इसमें पहचानिए जरा दर्द कौन कौन सा है अपना, आपका दर्द कौन सा है इसमें, ये सारे दर्द के निशान जी है। जी इसमें ये भी दर्द है, हेड ये ये भी है। खोपड़ी के पीछे ये वाला है जी आपको कंधे जी के ऊपर, ये है कंधे के ऊपर, और ये वाला नीचे वाला ये सर। जो क्रॉस लगा रखा है, जी ये कंधे की लाइन जो है इसमें है, इसका दर्द आपको हाँ, है। इसमें भी है, इस तरफ भी है। पीछे की तरफ है। जी आपको एक आध पिक्चर और दिखाता हूँ, शायद उसमें आपको थोड़ा और बताइए। हाथ का बताइए, ऐसे दर्द जाता ये है? हाथ का ये पूरा सुन्न ही हो जाता है सर, ये जैसे ये आंगलियों में कभी इसमें ये सुन्न हो जाता है सर पूरा। यहाँ देखिए ये दर्द, ये यहाँ पे ये कोहनी के नीचे है ना सर, जैसे इस ये। पॉइंट पे, जी इस पॉइंट पे दर्द आता है। जी सांस लेने में तकलीफ है? नहीं, सांस सांस लेने में लेने में कोई कोई दिक्कत तकलीफ नहीं नहीं आती है, है, ऐसे करने में दर्द होता है देखिए, ऐसे करने में यहाँ दर्द हो जाता है सर। और घुमाने में देखिए, घुमाने ये घुमाना जैसे ये है ना सर, इस तरफ घुमाया तो यहाँ दर्द है, इस तरफ घुमाया तो यहाँ दर्द है सर। यहाँ दर्द होता जी है। ठीक है, कोई गिरने की हिस्ट्री भी, चोट लगी थी जी आपको? बचपन में मैं बस से कूद गया था सर, उसका जब मतलब बिल्कुल बचपन में बीच था ना। में, जैसे आपने 6 मंथ का दर्द, इससे पहले कोई दर्द नहीं था ना? नहीं तो वो गिरा हाँ, था जी, उससे पहले कोई वो नहीं था, उसका बचपन लेशन की नहीं हो, बातें उसका लेशन नहीं हो सकता, ये थी। अलग दर्द है जी। ठीक है, ये चेक करते हैं आपको, देखिए आपको, क्योंकि अगर बचपन का दर्द होता तो बीच में तो पूरा टाइम दर्द रहना चाहिए था। बैठे बैठे ऐसे घुमाते हैं तो कड़क कड़क साउंड आता है, जैसे गर्दन जी में आता है, ऐसे करने में दर्द, जी ये दर्द है जी यहाँ पे। ये दर्द है, जी ये पीछे की तरफ, जी हाँ, ऐसे करने में ऐसे करने में यहाँ भी दर्द हो गया, यहाँ पे यहाँ आता भी है दर्द सर। आता है, जी और ये करने में समय आता है इस यहाँ से। जी यहाँ करने से बिल्कुल ये हो जाता है, जैसे यहाँ पे पूरा ही वो हो जाता है सर, ऐसे अकड़न सी हो जाती है खिंचाव एकदम। पड़ता है जी इनमें। खिंचाव बढ़ जाता है पूरा। ठीक है, अगर ऐसे हाथ करें तो देखिए, बैठ करें जरा, छोड़िए, ऐसे हाथ करने में आराम लग रहा है, जी ऐसे इसमें ऐसे छोड़ दें तो देखिए। ये भी आरामी है जी, इसमें अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि दर्द ज्यादा सुन्नापन या तेज आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, दर्द ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा ऐसा दिखाइए, ये जैसे आप उठा रहे हैं ना जी, यहाँ दर्द आ गया दर्द यहाँ आ रहा पे। है, ऐसे जी करने में ऐसे दर्द करने में नहीं है जी। दर्द कम लग रहा हाँ ये यहाँ भी हो जाता है। है। टाइटनेस तो आपकी नेक में काफी ज्यादा है, ये सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसे आपके साइन है ये सारे। चलिए लीजिए, सीधा ले जाइए, निकाल दे जरा, नसों निकाल दीजिए। बस ढीला छोड़, ढीला छोड़। यहाँ दर्द होता है, यहाँ पे खोपड़ी के पीछे, जी इन दो पॉइंट पे, जी ये खिंचाव लगता है देखिए यहाँ पे, ये वाला खिंचाव लगता है यहाँ पे सर में, या खिंचाव पुल हो रहा है आपको? नहीं यहाँ पे हो जाता सर, ये जैसे ही इस है। एरिया हो जाता है। जी चलिए ठीक है, ठीक है, नीचे रख दीजिए। शुगर तो नहीं है आपको? जी बिल्कुल नहीं, शुगर नहीं है सर। थोड़ा नीचे सर ले लीजिए, उठाइए गर्दन अपनी, ऊपर ऊपर उठा लीजिए गर्दन, थोड़ा नीचे छोड़ दीजिए, नीचे ढीला छोड़ा बिल्कुल। बेड मत पकड़िएगा, ढीला छोड़ो शरीर, सांस अंदर लें छोड़े, सांस अंदर लें छोड़े, खींचा पीछे से कुछ ऐसे, जी ढीला छोड़ो, ढीला ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, बिल्कुल नीचे छोड़ दीजिए, नीचे छोड़, बिल्कुल नीचे छोड़ने की कोशिश करो, हाँ बिल्कुल नीचे छोड़ने, बिल्कुल ढीला छोड़ो जी, ढीला ढीला नीचे छोड़ो, नीचे
एक और ढीला ढीला नीचे नीचे छोड़ो नीचे वेरी गुड नीचे सर जाइएगा और नीचे सर वेरी गुड बस बस यही रखिए अब जरे हाथ को अपने ऐसे रखिए दोनों हाथ तो चुभने वाली चीज़ तो नहीं है ना आगे जी नहीं ठीक है ढीला छोड़ो उल्टा लेटे इसके अंदर मुंह डाल देते पीला छोड़ो जी बिल्कुल शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ो जी ढीला सांस अंदर छोड़े वेरी गुड यहाँ रखो जी हाथ अपने इन पॉइंट पे होता है इस पॉइंट पे देखिए जी ये ठीक है ये आज यहाँ तो पूरा ही वो है जी अब प्रेशर लग रहा है अंदर आज प्रेशर जैसे गर्म सा लग रहा है पूरा अच्छा अच्छा सांस लो जी ढीला छोड़े सांस ले ढीला छोड़े सांस लीजिए ढीला छोड़िए पूरा सांस ले ढीला छोड़े एक बार और छोड़िए ये टाइट है थोड़ा सा आपका जी ये आप जो कभी ये टाइट है ये ज्यादा सांस लो जी छोड़े एक बार और छोड़ो जी आखिरी बार छोड़े एक बार और लो जी सांस छोड़े एक बार और लीजिए छोड़िए ढीला छोड़ो शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ो आप सीधा करो टांग आपको कुछ नहीं करना यहाँ ढीला रखिए अब जैसे करेंगे ना तो ये जो नाव के ऊपर करूंगा तो पूरा मतलब यहाँ तक हल्का हल्का करंट आएगा आपको धीरे धीरे करके हिल रहा था आपका जी लग रहा है जो उंगलियों में झंझनाहट सी जी। ये हम लोग नस नस जो है जी। उसको डीसेंसिटाइज कर रहे हैं नस ताकि ये नस का फ्लो बढ़ जाए जबकि नाव दब गई है
बिना छोटे कंधे हथियार रखी करते हैं, लूज करो उसको लूज। कुछ यहाँ से आवाज आई? हाँ जी जी, धीरे छोड़िए पीला। वेरी गुड, कान दो मुझे। यहाँ से नच जाती है, जो यहाँ की जो मसल्स है ये उस खिंचने की वजह से वो नस दब जाती है, तो इसलिए खिंचाव होगा, आँख में प्रेशर भी लगता है, तो ये मैं रिलीज कर देता हूँ उससे। ढीला चलिए जी, सांस लेके देखिए और एक दो चक्कर लगाइए यहाँ पे, और फिर बैठ के देखिए, फिर देखिए कितना परसेंट इसमें रिलीफ आपको लग रहा है। थोड़ा कम है वैसे, लेकिन आराम है। नीचे का भी देखिए, नीचे का भी देखिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एक बार और कर दूंगा मैं कल, ठीक है, थोड़ा ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।